अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके सामने उठाना चाहता हूं और देश के सभी प्रबुद्ध और विशेष कर करके अपने माननीय सांसदों और सरकार को संज्ञान में लाना चाहता हूं। महोदया, लगभग 170 वर्ष पूर्व एक महान संत का अवतार छपरा जिला के दहियावा में हुआ और वे पूरे देश का भ्रमण करते हुए पाकिस्तान के 13 जगह पर, वह जगह पाकिस्तान के में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कारक जिला के 13 जगह पर वह गए। वहाँ दोनों धर्मों के, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों के अनुयायी बन गए। वह दोनों धर्म के लोग उनका हृदय के साथ सम्मान करते और उनकी सेवा करते। महोदया, 1919 में उनका देहावसान हो गया और उस स्थान पर टेरी में ही उनके स्थान पर उनका समाधि स्थल और उस पर एक मंदिर का निर्माण हुआ। महोदय, 1997 तक वह मंदिर और वह समाधि स्थल बरकरार रहा, लेकिन 1997 में ही वहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, समाधि स्थल पर पूजन पाठन रोक दिया गया। लेकिन उससे के बाद वहीं के ही पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के संरक्षक और PMLN के थार पाकर से सांसद रमेश कुमार बंकवानी द्वारा उस मंदिर के निर्माण और समाधि स्थल के निर्माण के लिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, आदेश दिया कि वहां पुनः मंदिर का निर्माण कराया जाए और वहां जो धार्मिक स्थल पर जो पूजन पाठन होता था यथावत किया जाए और पुनः वहां वह पूरी व्यवस्था बहाल की जाए। लेकिन महोदया, अभी तक वहां नहीं हुआ है। वहां के मुख्य न्यायाधीश ने भी उस आदेश को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बहाल करते हुए पुनः उस सरकार को आदेश दिया, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। महोदया, एक मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। मैं पहले भी माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से, माननीय रक्षा मंत्री से और माननीय विदेश मंत्री से मैं पत्र लिख करके आग्रह किया हूं, कौन महान संत के जो समाधि जो टेरी में अवस्थित है पाकिस्तान के, उनको पुनः वहां उसको बहाल किया जाए, वहां मंदिर में पूजा पाठन किया जाए। महोदय, उनके लाखों अनुयायी हैं, 10,000 से ज्यादा। महोदय, एक वन मिनट, महोदय, 10,000 से ज्यादा वहां उनके भक्त हैं और उनको विनोद कुमार